अप्पू अब प्लीज मुझे जाने दो, मैं अगली बार आती हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक हूँ ना? क्यों? किसी और दिन क्यों? आज क्यों नहीं? लालन आ गया और अपने साथ आज एक बहुत बड़ी खबर भी लाया है। बड़ी खबर लेकर खाली हाथ आया मेरे दादा। क्यों? क्या लेकर आना चाहिए था अपुन को अपनी बहना के लिए? बहना के लिए नहीं, दुल्हनिया के लिए। और अप्पू तो एकदम से शर्मा जाती है, दुल्हनिया जो बोला है उसे, पर काजोल देखते ही रह जाती है। तो लाया ना, बस दो मिनट ले, बहुत थक गया। हाँ, फिर उसी दो मिनट में अपने मेहमान को मैं मिठाई खिला देती हूँ। हाँ, जो दो दिन पहले घर की बेटी थी, आज तो वो मेहमान बन चुकी है ना काजोल? ऐसा हो ही नहीं सकता। खाओ। एक मिनट बोदी, मुझे लगता है आप कुछ भूल रही हैं। क्या? आप तो दादा से गुस्सा थी ना, और इसी वजह से आपने खाना भी नहीं खाया था। ठीक बोला तुमने, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो गुस्सा हूँ। और अब सभी अप्पू की ये हरकत को देखकर मजा लेते हैं। आज माँ भी बेहद खुश है, अप्पू है ही ऐसी, और काजोल इनकी हंसती जिंदगी को निहारती है। उसके बगैर भी इनको कोई फर्क तो नहीं पड़ता अभी। गुस्सा? अपन बाहर क्या गया और तू क्या आग लगा रही है घर में? मैं क्या जानू, वो अप्पू बहुत भूल जाती है ना, उनको याद दिलाना तो मेरा फर्ज है ना। क्यों अप्पू बाबा जी, सही बोल रहे हो। फर्ज की लाडली, इधर रुक। ए अप्पू, तू सुनना, तुझे क्या लगा कि अपुन भाग गया है, वापस नहीं आएगा? तुम बहुत बुरे हो, कच्ची तुमसे, बिल्कुल कच्ची। अब अप्पू बाबूजी दादा को भी कट्टी करेंगे। तो चप्पल दो जरा, अब सीधा कट्टी अप्पू। अच्छा देख, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं मानता हूँ कि तुम गुस्सा हो, तुम कट्टी हो, मुझे दोपहर को आ जाना चाहिए। मगर आए नहीं ना तुम। अरे बहुत काम था। अरे आज तेरे लालन के हाथ कुछ बहुत बड़ा लगा है। और अब सभी देखते हैं लालन को, अप्पू के आते ही सब कुछ बदल रहा है उनका, उनका किस्मत ही कहीं पलट रहा है। और उसी के बलबूते पे अपुन सबको, खासकर तुझे, इतना मैजिक दिखाना चाहता है। मैजिक मैजिक मुझे नहीं देखना, ये सब चीजें मैं नहीं बिगलूंगी। अरे तो इधर तो आ एक सेकेंड। चलो ये देखो, ये क्या है? कुछ नहीं। अच्छा, और ये क्या है? ठीक है, आया है? चुकली से। अब गुस्सा तो नहीं होना तुम? हाँ ठीक है, प्रॉमिस। और अब दो मिनट में लालन अप्पू को मना भी लिया और प्यार भी बांट लिया। बस इतना ही काफी है अप्पू के लिए। मर्सी, मैं चलती हूँ। अरे काजोल, क्या हुआ? काजोल, ये क्यों चली गई? शायद सच में इसको कुछ काम होगा। कैसा काम? वो पेपर चेक करने के लिए, एग्जाम चल रहे हैं ना। और जहाँ अनुराधा तो समझ रही है काजोल की दिल की हाल को, वहीं अब जब अपने बेटे को अप्पू के साथ इतना खुश देखती है तो और क्या चाहिए। पर अनुराधा भी तो काजोल को अपनी ही घर की बेटी मानती थी, तो फिर ये बहू होने का ख्वाब लेकर क्यों घूमने लगी आखिर काजोल? पर इतनी तो सच्चाई है उसमें कि वो लालन को चाहकर भी उससे छीनने की कोशिश नहीं कर रही है अप्पू से, क्योंकि लालन अप्पू से प्यार करता है। बड़ा सुलझा हुआ सा दिल होता है इन छोटे से मकान में रहने वालों का। तो चलिए आगे भी बताएंगे कि क्या लालन को कभी पता चलेगा कि काजोल उसकी सिर्फ दोस्त नहीं, उसे बेहद प्यार भी करती रही है। और अगर पता चला भी तो लालन आखिर क्या करेगा, देखना दिलचस्प होगा। तो बने रहिए और देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि इसकी भी अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट बॉलीवुड पर ही मिलेगी।